आज हमारा देश नौजवान का देश है। 28 वर्ष की उम्र हमारे देश की है। दुनिया का नौजवान हमारे देश में है, उसको रोजगार देने के लिए कल कारखाने लगाने पड़ते हैं, बिजली पैदा करनी पड़ती है। कल कारखाने लगे, बिजली लगे, तब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। केवल मात्र मंदिर का निर्माण करने से सत्ता बढ़ती है। हमारे विश्वनाथ जी का मंदिर है, दुनिया के लोग आते हैं, हमें गमन है, पर रोजगार करने के लिए तो काम हमें करना पड़ता है। मंदिर बनना चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए, हमें भगवान ज्ञान दे। और सनातन धर्म कमजोर है, वो तो पहली बार समझ में आया, सनातन धर्म कहां से कमजोर हो गया। सनातन धर्म आदि अनादि काल से है, अनादि काल से भी कोई सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सका। अब राजनीति के लिए खत्म कर सके तो बात अलग है, सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता है। सनातन धर्म को खत्म करने का नारा देकर लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, पर लोकतंत्र में नीति बनाकर देश का निर्माण करने का काम ये नहीं कर सकते। क्या मैं भगवान को नहीं मानता हूँ? क्या अशोक गहलोत जी ने गाय के लिए काम नहीं किया? 3,000 करोड़ रुपए गायों के लिए काम करने का काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया। क्या अशोक गहलोत की सरकार ने नागौर मछियान के मंदिर के लिए पैसा नहीं दिया? क्या रेल मंगा के माता जी के मंदिर के लिए पैसा नहीं दिया? क्या गोपालपुरा के माता जी के लिए मंदिर के लिए पैसा नहीं दिया? कोई भी सरकारें आएगी, धर्म की होगी, निष्ठा होगी, हर देश के नागरिक को स्वतंत्र है अपने भगवान को माने, बड़ा जी को माने, भैरू जी को माने, शिव जी को माने, हनुमान जी को माने, सबको माने, और सबसे प्रार्थना करे भगवान हमें सद्बुद्धि दे, और सद्बुद्धि दे जिससे हम अपना जीवन अच्छा कर सके, और जो जिम्मेदारी हमें मिले उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन कर सके। तो आज कहते हो गमन है, मैं भी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ, मैं भी सनातन धर्म को मेरा परिवार में संस्कार मानते हैं, पर राजनीति हमें एमएलए बनने का मौका मिला है तो ईमानदारी से उसका काम करने के काल एक विकल्प प्रस्तुत किया है। एमएलए बनेंगे तो भी काम करेंगे, मंत्री बनेंगे तो भी काम करेंगे, स्पीकर बनेंगे तो भी काम करेंगे, और जनता के दुख सुख में भागीदारी बनाकर उनके जीवन में परिवर्तन करने का काम करेंगे, और यही काम हमने करके विकल्प प्रस्तुत किया है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि वैभव जी गहलोत भी है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अशोक जी गहलोत जी भी है। इससे बड़ा सौभाग्य सिन्हा जी की धरती पर किसका हो सकता है कि जिससे अपना नामांकन में हम एक ऐसे मुख्यमंत्री के साथ अपना बात सुनेंगे जिस मुख्यमंत्री ने राजस्थान को बदलने के लिए काम किया। ये मेरे लिए भी सौभाग्य है जब मैं नामांकन भर रहा हूँ, तो आज जो उपस्थिति है, मैं आशा करता हूँ कि आप और हम सब उनका इतना बड़ा उनका सम्मान करेंगे, तालियों से उनकी गड़गड़ स्वागत करेंगे, और उनके उद्बोधन से प्रेरित होकर अपने जीवन में जो राजनीति में हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करके गांव के गरीब आदमी की मदद करके सरकार की नीति का लाभ लेकर घर घर में लोगों को समझा सके। यही सरकार है जो सरकार पहली बार बिना लक्ष्मी का सम्मान करके 10,000 रुपए उनके खाते में देने का काम कर रहा है। ये वही सरकार है जिसने गरीब आदमी के जीवन के लिए 25 लाख की चिरंजीवी की योजना बनाई है। ये वही सरकार है जो आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए नियम और कानून बनाकर प्रदेश का निर्माण करनी चाहती है। मैं आशा करता हूँ आप और अफसर मिलकर जिन भावना से मैंने अभिव्यक्त किया है उसको समझेंगे, और कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आप निश्चित तौर पर मदद देकर हमें आवेदन बना के काम करेंगे। आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबसे अपील करता हूँ जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सब साथी अपने स्थान पे बैठे, सब अपने स्थान से बैठे। आप 5-10 मिनट आप बैठे आराम से, माननीय मुख्यमंत्री को आगे भी जाना है तो माननीय मुख्यमंत्री संबोधित करें, बैठे आराम से प्लीज। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय साहब का स्वागत किया जा रहा है, परम आदरणीय सीपी जोशी साहब द्वारा, जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी राठौर साहब द्वारा, डेप्यूटी अध्यक्ष गुर्जर साहब के द्वारा विधानसभा की आज कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर सतीश साहब द्वारा नामांकन रैली में हमारे बीच में विराजमान राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, और आप लोगों ने आज जो नामांकन रैली निकाली वो अभूतपूर्व थी। मैंने भी सीपी साहब के साथ 90 से लेकर अभी तक नामांकन में साथ रहा हूं, पर आज जैसा माहौल और जैसा उत्साह युवा हो, बुजुर्ग हो, चाहे गांव के हो, चाहे शहरवासी हो, ऐसा उत्साह मैंने 90 पे पहले से भी मेरे साथ हो पर मैंने कभी नहीं देखा। ये दिन है
कि जिस उत्साह और उमंग के साथ आप इस नामांकन रैली में आए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब 25 तारीख को वोट पड़े तो अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने बूथ में सीपी साहब को रिकॉर्ड मतों से जिताए। समय का अभाव है, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि सीपी साहब राजस्थान में रिकॉर्ड मतों से जीत के जाए, तभी हमारा संकल्प पूरा होगा। इतनी बात कहते हुए जय हिंद, धन्यवाद।